अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और फिर से एक दफ़ा फिर मेरा गला हो गया है ख़राब और मुझे हो गया ज़ुकाम। ये तो जो है सिलसिला सारी सर्दियां चलता ही रहता है। तो खैर, और आज मैंने खाने में बनानी थी बिरयानी, क्योंकि मेरी नंद आ रही थी और ये पिछले दो चार दिन इतने ज़्यादा वाले बिजी, लाइक बिल्कुल भी ना टाइम था ना किसी चीज़ का होश था। लाइक हमारे फैमिली में जो है एक फंक्शन था, वहाँ पर हम लोग को जाना था, फिर मेरी नंद आई हुई थी, तो आपको पता है कि नंद आई हूँ तो फिर बाहर घूमने फिरने ना जाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तीन चार दिन लगातार इतने ज़्यादा वाले बिजी थे ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो खैर जी, आज मैंने बनानी थी बिरयानी, आज मेरी नंद आ रही थी तो मुझे शाम को खाने के लिए बिरयानी बनानी थी। उसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने जाना था जी फंक्शन पे। और हम लेडीज़ का हमेशा यही मसला होता है, लास्ट मोमेंट तक जो है ना कपड़े डिसाइड नहीं हो रहे होते। अलमारी इतनी भरी हुई है कि जगह नहीं है रखने की और पहनने को कपड़ा नहीं है हमारे पास। ये तो आपको पता ही है, तो सब औरतों का, सब जो है ना लेडीज़ का ही हमारा ये मसला है। और यकीन करें, लास्ट मोमेंट पे जो है ना मैंने अपने फैंसी कपड़ों में से फिर सूट एक निकाला और फिर वो अलग डिसाइड किया। कितने मैंने सूट इस्त्री भी किए और कितने सूट मैंने निकाले भी कि ये पहनूँ ये पहनूँ ये पहनूँ। कोई कह रहा नहीं हम मैं तो ये पहनूँ, क्योंकि अच्छा पता है हमेशा यही होता है कि हम सोचते हैं कि जी थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, थोड़ी सी ठंड होगी तो हम शिफोनों के कपड़े पहनेंगे जी, फैंसी कपड़े पहनेंगे। लेकिन कसम से उनको देख के ठंड लगना शुरू हो जाती है। और मैं ये सोची थी कि अल्लाह जी सारे शिफोन के पहन रहे हैं, लाइक सारे फैंसी पहन रहे हैं तो मैं कैसे पहनूंगी। लेकिन फिर भी पहन लिया, मैंने ऊपर शॉल ले ली थी कि चलो लाइक जो ठंड ना लगे। और शॉल मैंने एक मिनट के लिए भी नहीं उतारी, हालांकि उन्होंने काफ़ी हीटिंग सिस्टम वगैरह किया हुआ था, लेकिन स्टिल। तो खैर जी, ये मैं बिरयानी को लगा रही हूँ दम। और पता है लाइफ में पहली दफ़ा मैंने इतनी ज़्यादा वाली बिरयानी बनाई है। और लाइक लिटरली मेरी सास भी जो है ना मेरे से पूछी तब कर लोगी बना लोगी, मैं कहा जी अम्मी जी मैं बना लूँगी, आप फिक्र ना करें। कि लाइक मुझे अच्छा लगता है कि मैं ना काम करूँ, लाइक मैं किचन में ना, कल भी मेरे रात को मेरे हस्बैंड मुझे यही बात कर रहे थे कि जिस दिन तुम्हारी ड्यूटी होती है ना किचन में, तुम इतनी एक्टिव चलती फिरती हंसती खेलती नज़र आती हो जिस दिन तुम्हारी किचन में ड्यूटी होती है। और लाइक जिस दिन तुम्हारा किचन में काम ना हो ना, तुम इतनी डल, सर में दर्द हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो मुझे हंसी आती है आप कैसी बातें करती है कि ऐसी बातें बंदा थक भी जाता है ना। तो खैर जी, ये मैंने बिरयानी को लगाया दम, बिरयानी को दम शम लगा के सबको खाना शाना सर्व किया। अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत अच्छी बन गई थी बिरयानी, लाइक हर चीज़ ठीक थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर, बिरयानी वगैरह हम लोगों ने कहीं खाना शाना खाया, अब हम वेरी नेक्स्ट डे की तैयारियाँ हम लोग की शुरू हो गई, क्योंकि डे टाइम का था फंक्शन। लाइक जिन्होंने जो है ना घर बनाया अपना यहाँ पे DHA में, तो उन्होंने ना दुआ करवाई हुई थी, असर से मगरिब के दरमियान दुआ थी। तो जाहिर सी बात है दोपहर को खाना शाना फटाफट खिला के सबको, तो हम लोगों ने खुद भी तैयार होना था, बच्चों को भी तैयार करना था, तो हम लोगों ने टाइम से निकल जाना था। हमारी कोशिश यही थी 3:30 बजे हम निकल जाएं, क्योंकि आपको पता है दिन है छोटा तो 3:30 बजे जो है वो असर भी हो जाती है। तो असर से मगरिब के दरमियान दुआ थी, तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना कि बंदा लास्ट मोमेंट पर पहुँचे और जी मतलब दुआ भी हो जाए और बस जी खाना खा कर बंदा निकल आए। तो हम लोग जो है वो कोशिश यही थी हमारी कि हम टाइम से पहुँचे। तो हम लोग 4 बजे तक ऑलमोस्ट, हमें 4 बजे हम पहुँच भी गए थे वहाँ पर, क्योंकि DHA 5 जो है उतना कोई रास्ता हमारे घर से तक कोई दूर नहीं है, 20-25 मिनट्स लगे थे हम पहुंच गए थे खैर से। तो खैर जी, अब ये मैं कपड़े डिसाइड कर रही थी कि मूसा को क्या पहनाऊँ, मीरा को क्या पहनाऊँ। जैसे कि आप लोग अगर मुझे फॉलोअप करें तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे कपड़ों शपड़ों का जो है मुझे बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों का, बच्चों की ड्रेसिंग का, ईच एंड एवरी थिंग। मैं कहती हूँ यार बहुत अच्छी हो, लाइक के लाइक 100 बंदों में भी जो है ना मेरे बच्चे सबसे अलग लगे, अलहमदिल्ला माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे कि लाइक मुझे ये होता है कि यार मेरे बच्चे सबसे अच्छे लगे, साफ सुथरे हो हर टाइम। और लाइक मतलब डेली रूटीन में भी जो है ना घर में भी लाइक मेरे बच्चे इसी तरह नहा धो के साफ सुथरे हो के लाइक इस तरह तैयार होते हैं सब जैसे हम कहीं जा रहे हैं। तो खैर, इन दोनों को तैयार किया। और सबसे पहले मैं यही करती हूँ ना कि पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती होती हूँ कि लाइक चलो बच्चे तैयार हो जाएंगे अपना खेलते रहेंगे। और फिर हुई मैं तैयार, ये थी मेरी लुक। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, आगे वीडियो एंड तक देखनी है, आगे मैंने अपनी लुक भी दिखाई हुई आप सबको, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लगा और मैं कैसी लगी। और अच्छा, एक और बात आप लोगों से पूछनी थी कि क्या मुझे अपना फेस रिवील कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। आप लोग 3K पे मुझे अटकाया हुआ है, जल्दी जल्दी से 3K करें 4K करें 5K करें, फटाफट से करें, तो फिर हम इस बारे में सोच सकते हैं। आप लोग ने मुझे सजेस्ट करना है कि मैं बोल बोल के मेरी ना सांस फूल गई है, जल्दी जल्दी 1 go में बोली जा रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या मुझे अपना फेस रिवील करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि जी आप लोग फटाफट से मेरे 3K तो करवाएं ना, कब से 150-200 पे मैं अटकी हुई हूँ, आप लोगों ने अटकाया है, मुझे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके
मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करें। लाइव सेशंस भी मैं करती हूँ, उस पर भी ज्वाइन किया करें। और बात कहाँ से कहाँ निकल गया। तो खैर जी, ये हम लोग पहुँच गए थे DHA, और पता नहीं फेस कौन सा था, अभी मुझे नहीं पता। बस हम लोगों ने तो बस कह दिया, कह देते हैं जी तैयार हो जाओ जी जाने, तो हम तो अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, हमें नहीं पता होता। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे नहीं पता होता कौन से एरिया में जा रहे हैं, कौन से शहर में जा रहे हैं, कहाँ। बस मैंने जी तैयार होना है, बच्चों को तैयार करना है, हम लोग निकल जाना है। तो खैर जी, हम लोग पहुँचे तो रास्ते में ना मूसा सो गया था, क्योंकि सोने का टाइम था उसका 3:30-4 बजे, वो मतलब नॉर्मली सोता होता है रोज़ दिन में। तो खैर यामो सो गया, तो मैं कहा चलो सो जाए आराम से, जब तक मैं ज़रा इन्जॉय करूँ ना, तब तक हम लोगों ने घर शर देखा ये वो, बड़ा मज़ा आया। साथ उन्होंने ना हीटिंग सिस्टम भी ऑन शॉन किया हुआ था, लाइक हम लोग को था ठंड लगेगी। तो खैर मूसा को उठा दिया था, फिर मैंने आधे पौने घंटे बाद कि भाई रात को उसने बड़ा तंग करना है, फिर हम लोग को टेरेस पे चले गए। इतना कोई प्यारा व्यू था, यकीन करे इतने कोई मज़े की जगह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब करे उनको घर। माशाल्लाह घर भी बहुत बहुत अच्छा बनाया हुआ था माशाल्लाह, बहुत मतलब अच्छा, लेटेस्ट हर सहूलत थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर बच्चों को बाहर लेके आई, थोड़ी सी बच्चों को भी हवा लगवाई, थोड़ी सी खुद भी हवा लगाई। और ये थी मेरी लुक, मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ था। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आप लोगों को ड्रेस कैसा लगा, आप लोगों को मैं कैसी लगी। और फिर जी हम लोगों ने थोड़ी सी हवा शवा ली, चक्कर शक्कर लिया, थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया, थोड़ा सा फोटोशूट कराया, जो कि मस्ट होता है जी हम लड़कियों का। तो खैर जी फोटोशूट करके तो फिर हम लोग वापसी की तरफ आए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 बजने वाले थे, तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम वहाँ पर गुजार दिया था। तो और इस टाइम पे कसम से चाय की इतनी ज़्यादा वाली क्रेविंग हो रही थी ना, बस दिल चाहता कहीं से चाय आ जाए, बस अब सिर्फ चाय मिल जाए और बस हम चाय पी के सो जाए। तो खैर ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।